আমরা আমাদের সাউথ গোয়া ট্রিপের প্রথম যে ডেস্টিনেশন পয়েন্ট মিরামার বিচ এসে পৌঁছেছি। এখান থেকে আমরা যাবো একটা ডলফিন ট্রিপে। আমাদের বোটে করে ডলফিন দেখানোর জন্য নিয়ে যাওয়া হবে। তাহলে মিরামার বিচ আমাদের সাউথ গোয়া ট্রিপের ফার্স্ট ডেস্টিনেশন। तो अभी पहले इसके ऊपर में देखो माउंटेन के टॉप पे देखो जो व्हाइट कलर की बड़ी सी चर्च दिख रहा है। इस चर्च का नाम है सेंट मैरीज चर्च। पुर्तगीज टाइम की चर्च करीब करीब 400 साल पुरानी है और इसी चर्च के सामने शाहरुख खान की फिल्म जोश मूवी की शूटिंग हुई है।
इस चर्च के सामने जोश मूवी की शूटिंग हुई है। सामने की तरफ पूरा समुद्र दिख रहा है आपको, यार ये भी अरब महासागर है। जो भी कोई मुंबई गुजरात या केरला जाने वाले बड़े जहाज इसी रूट से जाते हैं। तो अभी राइट साइड में किनारे पे बोटी राइट साइड में किनारे पे जो पानी के लेवल के ऊपर है लंबी लाइन में रूम दिख रहे हैं। उनका एक जेल है और इस जेल का नाम है सेंट्रल जेल ऑफ अग्वादर। ये जेल पूरी की पूरी अंडरग्राउंड जेल है और इसी जेल में वतन के रखवाले और कयामत मूवी की शूटिंग हुई है। जो हाइट में दिख रहा है आपको दो विंडो वाले रूम से जेंट्स कैदियों को रखा जाता था और जो नीचे लंबी लाइन में रूम से लेडीज कैदियों को रखा जाता है। फिलहाल अभी ये गोवा गवर्नमेंट ने रिनोवेट करके म्यूजियम बनाया है। तो अभी जेल के ऊपर में देखो माउंटेन के टॉप पे देखो जो व्हाइट कलर का राउंड पिलर दिख रहा है आपको, ये पोर्चुगीज टाइम का लाइट हाउस है। फिलहाल ये लाइट हाउस नहीं चलता है तो गोवा गवर्नमेंट ने उसके राइट साइड में अपना नया लाइट हाउस बनाया है। जो व्हाइट कलर में दिख रहा है आपको फोर्थ फ्लोर वाला पिलर, ये नया लाइट हाउस है और नया लाइट हाउस सोलर एनर्जी के ऊपर चलता है। और वहीं पर एक गोवा का फेमस फोर्ट अग्वाडा जो नीचे से ऊपर तक पत्थर की बॉर्डर दिख रहा है आपको, ये फोर्ट अग्वाडा की